बेटा 12वीं बोर्ड के एग्जाम है और 95% नंबर आने चाहिए, नहीं तो नीट और आईआईटी में एडमिशन कैसे होगा? और एडमिशन नहीं हुआ और मेरी तो ऑफिस लॉबी में बेइज्जती हो जाएगी। क्या कहेंगे लोग, परिवार रिश्तेदार सब कहेंगे कि इतना बड़ा ऑफिसर होके और बेटे के इतने कम नंबर। हॉस्टल में खूब मन लगा के पढ़ना, कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, समझा? समझ गया पापा, आप चिंता मत करो, मैं पक्का स्कूल टॉप करूंगा। अरे बेटा स्कूल नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट। 95% शाब। बेटा तू पढ़ने जा रहा है खेलने जा रहा है, इसका क्या करेगा वहां? अरे चौधरी साहब। अरे आइए आइए शर्मा जी, आइए, कैसे हो? हाय हाय जी, आए कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, अच्छे जी। और भाई, अरे वाह, खुश रहो खुश रहो। आज भाई कहाँ की तैयारी? मैं कोचिंग जा रहा हूँ हॉस्टल के लिए। ओहो बहुत बढ़िया चौधरी साहब, आज तो सुबह सुबह कोचिंग का समाचार पढ़ा, हमेशा की तरह आज भी मेरा दिमाग खराब हो गया। एक बच्चे ने फिर सुसाइड कर लिया, लिखा है कोचिंग छात्र का सुसाइड नोट, पापा मुझसे जेई नहीं होगा, आपसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं क्यों बच्चों को जबरदस्ती माँ बाप अंडर प्रेशर कर देते हैं कि तुम्हें यही करना है। अरे बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे को क्या चाहिए, वो कोई समझता ही नहीं है। फिलिंग ऐसे रोज हादसे होते हैं, रोज बच्चे सुसाइड करते हैं, फिर भी पता नहीं माँ बाप को क्यों नहीं समझ आता। लेकिन शर्मा जी आपको तो पता है पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ चौधरी साहब पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई बहुत तरह की होती है। कोई वेल्डिंग करना सीख गया ना, वो भी तो पढ़ाई है। अब आप तो इतने बड़े ऑफिसर हो, चलो आपकी भाषा में समझाता हूँ, आप तो पर्यावरण प्रेमी भी है ना। अब देखो चौधरी साहब, ये गमला है जी, गमले में आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप में रखते हो, छांव में रखते हो, ये पौधा इतना ही बड़ा क्यों है, ये पेड़ क्यों नहीं बड़ा, समझे? क्योंकि गमले का पौधा हमेशा गमले का पौधा ही रहेगा। आओ आपकी बगिया दिखाता हूँ, आओ। अरे वाह वाह चौधरी साहब, बगिया तो आपने बहुत सुंदर बनाई है, क्या बात, आप वाकई में हैं पर्यावरण प्रेमी। पर एक बात बताओ, ये पेड़ आपने कब लगाए? ये जो बड़े वाले पेड़ हैं, हाँ? ये तो मकान बनाने से पहले के हैं, हाँ? तो छोटे बाद में लगाए थे। अच्छा अच्छा, जब आपने मकान शुरू किया खाली जगह थी तभी ये पेड़ उगे हुए थे? ये समझो बंजड़ी था पहले, तो बंजड़ी था। देखो इसे कहते हैं जंगल का पेड़, और जंगल का पेड़ आंधी तूफान धूप छांव हर तरह के मुसीबत का सामना कर चुके हैं जी। और आज ये देखो कैसे लहरा रहे हैं, ये फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, और आखिरी समय में ये लकड़ियां भी देखे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि बच्चे को गमले का पौधा मत बनाओ, जंगल का पौधा बनाओ, ताकि वो हर मुसीबत से सामना कर सके। ठीक है पढ़ाई जरूरी है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसे खूब पढ़ाओ, लेकिन जो बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनकी हॉबी क्या है उसका भी ध्यान रखें। बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, बल्कि उसको प्रेशर हैंडल करने की हिम्मत और हौसला दें। वाह शर्मा जी आज तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, कि मैं मेरे परिवार को तो बताऊंगा, लेकिन मेरे अफसर लोबी में भी सभी को बताऊंगा कि जो बच्चे की हॉबी होती है उसको वो करने दे, नहीं तो कल को हमारे बच्चों की खबर छपेगी सुसाइड जी। आओ बेटा, फर्ज था मेरा, समाचार आया है तो मैं सोचा आपको बता के आऊं। ठीक है जी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ना, ठीक है, अपनी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी करना। ठीक है पापा मैं भी चलता हूँ, 95% मुझे याद है। बेटा रुको, ये लो, जो आपकी हॉबी है ना वो भी पूरी करना, पूरा मन लगा के खेलो और पढ़ो। थैंक यू पापा। वाह क्या बात, पढ़ा आपने, हिंदुस्तान में कितने बच्चे पढ़ाई के प्रेशर से रोज सुसाइड करते हैं, क्योंकि हम एक दायरा बना देते हैं कि यही करना है। इस दायरे के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा विजन है, ये भी बच्चों को सिखाओ। अपने बच्चे को गमले का पौधा नहीं जंगल का पेड़ बनाओ, ताकि वो हर मुसीबत से सामना करे, देश दुनिया में नाम रोशन करे। ये शेयर करके सबको बताएं। जय हिंद।
जय श्री राम।